बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हमें आपसे सिर्फ आपका आप हमारी आवाज बन जाएं। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते करूचे एनो गनो गनो अभिमान मिनट मारूफ बलोच सियासी कारकुन और बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साबिक चेयरपर्सन करीमा बलोच की लाश कनाडा के शहर टोरंटो से बरामद हुई। 37 साल करीमा बलोच कनाडा में पनाहगुजीन की जिंदगी गुजार रही थीं। मारूफ बलोच तलबा तंजीम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आजाद के चेयरपर्सन रह चुकी थी। 2016 में BBC ने करीमा बलोच को दुनिया के 100 बासर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल किया था। करीमा बलोच को आखिरी बार इतवार 20 दिसंबर 2020 को तकरीबन दोपहर 3 बजे देखा गया था, जिसके बाद से वो लापता थी, जबकि आज इनकी लाश टोरंटो से बरामद हुई। टोरंटो पुलिस ने करीमा बलोच की गुमशुदगी के बाद इनका मुकम्मल हुलिया और तस्वीर को अपनी वेबसाइट पर जारी किया था और आवाम से अपील की थी कि वो तलाश में पुलिस की मदद करें। तहम आज करीमा बलोच के अहले खाना ने इस बात की तस्दीक कर दी कि करीमा बलोच की लाश बरामद हो चुकी है। करीमा बलोच बलोचिस्तान के मारूफ सियासी कारकुनान में से एक थी। इन्हें बलोच खवातीन में सियासी तहरीक पैदा करने का बानी कहा जाता है। वो BSO की 70 साल तारीख में तंजीम की पहली खातून सरबराह होने का भी एहसास रखती थी। बलोचिस्तान में जान को लाहा खतरात के बायस उन्होंने कनाडा में सियासी पनाह हासिल कर ली थी, जिसके बाद वो कनाडा और स्विट्जरलैंड में अक्वामे मुत्तहदा के सेशनों में बलोचिस्तान का मसला उठाती रहती थी। करीमा बलोच की अचानक गुमशुदगी और मौत पर बलोच सियासी कारकुनान ने गहरे सदमे का इजहार किया है। जे तमे हमारा बलोचिस्तान नवास्ते करूचे एनो गनो गनो अभिमान मिनतवार नहीं पाया।